तो चुनाव का जो गैजेट नोटिफिकेशन है, आज तो अनाउंस हो गया, अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज ही लागू हो जाता है। लेकिन जो नॉमिनेशन शुरू होता है वो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है नॉमिनेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया और नोटिफिकेशन होगा शनिवार को, 21 जनवरी 2023 को होगा, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी 30 जनवरी 2023 तक मंडे। फिर उसका डिटेल दिया है, स्क्रूटनी, विड्रॉल, डेट ऑफ पोल 16 तारीख 2018 में 18 फरवरी को हुआ था, इस बार 16 फरवरी को होगा, गुरुवार के दिन। उस दिन स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी का घोषणा करेगी। काउंटिंग होगा 2 मार्च को। जो तथ्य आपको दिए गए हैं इसमें मैं दो तीन मुद्दे ही बस आपको बोलना चाहूंगा। एक है कि हमने इस बार एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर दिया है। पहले एक ऑफिसर के पास दो असेंबली, एक से ज्यादा असेंबली होते थे, तो अभी एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर है, तो वो खुद ही नॉमिनेशन ले सकते हैं। पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नॉमिनेशन लेते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उसमें जो व्यवस्थाएं करनी थी, हमें कमीशन ने टारगेट दिया था कि 15 दिसंबर तक पूरा करने का, हम 10 जनवरी तक हमने पूरा सभी 3,328 पोलिंग स्टेशन में सभी सुविधाएं, पानी, बिजली, रैम, टॉयलेट, सब सुविधाएं दी हैं। इस बार एक नया एडिशन इसमें हुआ है, ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, जो जिनका आईसाइट नहीं है, जो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप देंगे, जिसमें वो ब्रेल स्क्रिप्ट में होगा, वो कैंडिडेट और वो सब देख पाएंगे अपने हाथ से, और फिर पोलिंग बूथ में जाके खुद ही वोट कर पाएंगे। तो ये हमने इस बार इस चुनाव में करने के लिए हमने तैयारी की है। दूसरा, जो अब्सेंटी वोटर है, मतलब जो 80+ है, अभी मैं नंबर नहीं बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम आपने कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा नंबर आपको दिया गया था, वही नंबर है। तो 80+ जो है पीडब्ल्यूडी है, उनको घर पे वोटिंग की सुविधा है। तो 17,000 के करीब पीडब्ल्यूडीज है और 33,000 है पर्सन विद डिसेबिलिटी, 36,000, तो फिर 53,000 लोगों में से 30% तक अनुमान है कि वो घर पे वोट करेंगे। जो बाकी जो हमारे चुनाव की प्रस्तुति है, जैसे ईवीएम, हमारे पास 150% जितने पोलिंग स्टेशन है उससे 50% ज्यादा हमने अभी ईवीएम जो चेक करके तैयार करके रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में, स्ट्रांग रूम में, उसमें 3 लेयर का प्रोटेक्शन है, पैरामिलिट्री फोर्स का पहला रिंग, दूसरा रिंग टीएसआर का, और तीसरा रिंग है पुलिस का।